अस्सलाम वालेकुम और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि सर हमें डाइट प्लान बता दें, वेट गेन किस तरह होगा और हमें डाइट में क्या लेना है, क्या खाना है और वर्कआउट किस तरह का होना चाहिए। तो मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि मैं डेली काफ़ी ज़्यादा मैसेज नहीं कर सकता, थोड़ा सा बिज़ी होता हूँ, ठीक है ना। मेरे खुद वर्कआउट करना होता है और आपको पता है कि एक दो मैसेज हों, 10 मैसेज हों 20 मैसेज हों, तो कोई मसला नहीं है, हज़ारों में मैसेज आते हैं। इसलिए मैं वेट गेन के लिए ना आज आपको डाइट प्लान बताऊँगा प्रॉपर। आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ठीक है ना, उस पर आप लिख लें। ये मैंने सबसे बेस्ट बनवा रहा हूँ आपको, ताकि आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की डाइट प्लान लेने का मसला ना हो। अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, मैं डाइट प्लान सेंड भी करता हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बड़े इजी तरीके से पता लग सके आप लोगों को आपने खाना क्या है, आपने ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, आपने लंच में क्या लेना है, आपने डिनर में क्या लेना है, आपने वो वर्कआउट से पहले क्या लेना है, वर्कआउट के बाद क्या लेना है। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है मसल हब का, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे इसके लिंक को शेयर किया करें और वीडियोस आगे भी शेयर किया करें, ताकि हमारा जो चैनल है वो आगे तक जा सके, ताकि लोगों को पता लग सके कि डाइट प्लान क्या होता है। और इसके बाद अब उन लोगों को ये भी पता लगे कि यार वर्कआउट किस तरह करना है। अक्सर 100 में से 75% जिम में लोग गलत एंगल से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। चले, एक्सरसाइज भी आपकी ठीक हो गई, फिर उसके बाद डाइट प्लान ही नहीं ले रहे। डाइट प्लान का पता ही नहीं है किसी को, कोई वो बताता है तो वो शुरू कर देता है, वो कहते हैं आलू खा लो, वो आलू खाना शुरू कर देता है, वो कहते हैं दलिया खा लो, दलिया खाना शुरू। नहीं, आपने अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बनाना है, सुबह से शाम तक आपको क्या डाइट प्लान चाहिए, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक चलना है। मसलन कि आप ब्रेकफास्ट करें 9 AM पे, ठीक है ना, तो 9 AM पे करें, नेक्स्ट डे भी आप, ठीक है ना, 11 PM पे आप बनाना शेक पी रहे हैं, मैंगो शेक पी रहे हैं। अपनी लाइफ में टाइम बनाएं कि आपने किस किस टाइम पे आपने डाइट प्लान लेना है। अक्सर लोग कहते हैं हम खाते पीते हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है, हमारा बॉडी वेट बढ़ता नहीं है। ये मतलब नहीं है कि आपने बनाना मिल्क शेक पिया, साथ ही मैंगो मिल्क शेक पी लिया, साथ ही आपने खाना खा लिया, साथ ही मटन खा लिया। नहीं, हर चीज़ का टाइम रखें। हर 1-2 घंटे बाद आपने डाइट लेनी है। फ़ौरन एक दूसरे के ऊपर बर्डन ना डाले जाएँ, अंदर अपनी बॉडी के अंदर जो है खिचड़ी ना बनाएं, ठीक है ना। अपना एक शेड्यूल बनाएं, अपनी लाइफ का शेड्यूल बनाएं, ठीक है। आपने फिट होना है, ठीक है, वेट गेन करना है, तो एक शेड्यूल हो। 9 PM पे आपने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है ना, उसके बाद आपने 11 PM पे बनाना शेक लिया, ठीक है ना, फिर दोपहर के आपने लंच में आपने मटन बीफ, इस तरह तरीके से चलें। और मैं आपको प्रॉपर गाइड करना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरह शेड्यूल बनाना और किस तरह चलना है। तो आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ठीक है, और लिख लें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सुबह उठना जब, ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट में 5 स्लाइस लेने हैं, 5 स्लाइस बटर के साथ, ठीक है, 5 स्लाइस बटर के साथ और 2 ग्लास दूध, 2 ग्लास दूध। कोशिश करें दूध में थोड़ा सा आपने शहद डाल लेना है, शुगर का इस्तेमाल ना किया करें, ठीक है। आपने इससे ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, 5 स्लाइस बटर के साथ, बटर मतलब कि मक्खन के साथ आपने लेना है, ठीक है, और 2 ग्लास आपने दूध पीना है और उस पर शहद डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा शहद नहीं, ताकि आप उसका टेस्ट आ सके, ठीक है। बात आपने क्या करना है, आपने 11 AM सुबह आपने क्या करना है, बनाना मिल्क शेक लेना है, ठीक है। बनाना मिल्क शेक में आपने क्या करना है कि आपने शुगर ऐड नहीं करनी। आप कोशिश क्या करें, अपने खाने पीने में शुगर कम करें, जो आपने मीठा है वो आप फल से लिया करें, ठीक है ना। अक्सर लोग होते कहते हैं सर हमने बॉडी वेट गेन किया है, हमारा पेट वाहिर ना आए, ठीक है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपका बैली वाहिर नहीं आएगा, आपके मसल ग्रोथ करेंगे, आपके मसल बाइसेप ट्राइसेप, आपकी चेस्ट बड़ी होगी, ठीक है, थाइस बड़ी होंगी। तो इसलिए 11 AM पे आपने जोन सा बनाना मिल्क शेक लेना है, ठीक है ना, और दोपहर लंच में आपने क्या करना है, लंच में आप मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, और उसको कितनी मकदार में लेना है, कम से कम 400 ग्राम आपने लेना है। अगर आप मटन लेना चाह रहे हैं तो 400 ग्राम ले लें, अगर आप चिकन लेना चाह रहे हैं तो 400 ग्राम ले लें, अगर आप उसके अलावा बीफ लेना चाह रहे हैं तो आप बीफ 400 ग्राम ले सकते हैं। साथ आपने राइस लेने हैं, चावल, ठीक है, राइस ले लें, ठीक है, उसके साथ आपने सलाद वगैरह का इस्तेमाल करना है। सलाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कि सलाद के अंदर जो होता है ना, खीरा, बंद गोभी, ब्रोकनी और इसके अलावा प्याज होते हैं, ठीक है, टमाटर होते हैं, इन पर लेमन निचोड़ लें। बड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको मल्टीविटामिन भी मिलेंगे, आपको कैल्शियम भी मिलेगी, आपको प्रॉपर पावर मिलेगी, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में क्या है, सब्जियाँ बना के खाई जाती हैं, जब आप सब्जी को पकाते हैं इसको 50 सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं तो इसके अंदर सारे सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इसके अंदर कोई पावर नहीं रहता, समझ लेंगे खोखली हो जाती है बिल्कुल, ठीक है ना।
अगर आप कच्ची सब्जियां खाएंगे ना तो आपको इसके बड़े बेनिफिट मिलेंगे, आप में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी, आप में बहुत ज़्यादा विटामिन होंगे, ठीक है ना। अपनी बॉडी के वजूद को इस तरह चलाएं, ठीक है। दोपहर को आपको मैंने बता दिया, उसके बाद आपने 3 बजे के करीब मसलन 3 PM पे आपने क्या करना है, आपने आलू के चिप्स बना के खाने हैं। अक्सर लोग वेट गेन में आलू के जो से आलू उबाल के खा रहे होते हैं, कोशिश करें आलू के चिप्स बनाएं, ऑयल में बनाएं, और उसको बनाने के बाद अच्छी तरह उसका जो ऑयल है वो निचल जाए, ठीक है ना। उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। हल्का सा उस पर सॉल्ट डाल लें, नमक डाल लें, ताकि आपको वो खाए जाए ईजी होके। और इसके अलावा एक और आपको बात बता दूँ कि मटन बीफ और चिकन ये आपने उबाल के नहीं खाने, आपने बॉडी वेट गेन करना है, उबालना नहीं है आपने। आप जी जैसे घर पे पकता है वैसे आपने बना के खाना है, ठीक है। उसके बाद आपने 5 PM पे मसलन कि ओट मिल्क लेना है, ओट मिल्क और दूध, ठीक है। और इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा शायद डाल लें, पर थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि उसका एक टेस्ट आ जाए, आपको ये फीका फीका ना लगे। अक्सर लोगों से खाया नहीं जाता, तो अगर वो शायद से आपको मसला है, मसलन गर्मी हो जाती है आपको, आप सोचते हैं कि हमें गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप इस तरह करें, फिर थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। आपने एक्सरसाइज से पहले दलिया खा के जाना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद कम से कम 5 से 6 एग आपने लेने हैं, सिर्फ सफ़ेदी, जर्दी एक भी नहीं जर्दी खानी है आप लोगों ने, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने कोई जर्दी नहीं खानी, 5 ले लें 6 ले लें, ठीक है। अगर अक्सर होता है लोग कहते हैं हमें एग्स वगैरह पसंद नहीं है, तो कोई बात नहीं, एग ना लें, ठीक है। मैंगो मिल्क शेक ले लें, ठीक है। मैंगो का मिल्क शेक पिए, कम से कम 2 से 2.5 ग्लास पिए लाजमी। और आपको मैंगो के बारे में कुछ बता दूँ कि अल्लाह ताला का एक ये बहुत अच्छा फल है कि सबसे ज़्यादा हार्मोन्स इसके अंदर है, इसमें हार्मोन्स हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, इसमें आयरन, इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। और आम एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया के हर इंसान को पसंद है, और गोरा आम के बिना रहता नहीं है। हमारे लोग इसकी कदर नहीं करते, हमारे लोग इसको समझते कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में इतने अच्छे अच्छे फल हैं, हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। तरबूज के बिना यूरोपीय लोग नहीं रहते, तरबूज, आम, खुरबानी, आलू बहारा, ये आपके मौसम की बहारें आई, और ये इधर ही पैदावार है इनकी। खुरबानी से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए पैदा होता है, और खुरबानी के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और खुरबानी जब आप खाएं तो कम से कम रोज़ाना उसके 4 बादाम लाजमी खाएं, उसके 4 बादामों के अंदर विटामिन ए इतना हाई है, इतना हाई है कि आपके अंदर एक अंक्रीज ताकत इंक्रीज़ होती है, एक न्यू ताकत जिसे कहते हैं पावर इंक्रीज़ करना, स्टैमिना इंक्रीज़ करना, उसके अंदर जो उसके अंदर पावर है ना, वो आपके लिए बड़ी बेस्ट है। ट्रेनिंग के बाद मैंगो का मिल्कशेक इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद 7-8 बजे के करीब आपने खाना खा लेना है। खाने में आप चिकन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, कोई सब्जियां बना के ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आपने मिक्सअप करना है। और आम रूटीन में आपने क्या करना है कि आम रूटीन में पूरे दिन में आपने कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है आपने। आप जितना पानी पीते जाएंगे आपकी बॉडी के सेल्स उतने हाई होते जाएंगे, ठीक है ना। और आपका कैल्शियम भी पूरा होता जाएगा, आपके में पावर भी ज़्यादा आती जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप खाने में जो उनसे कभी दिल करता है कि दूसरी चीज़ें खा लें, बाजारी चीज़ें खा लें, इन चीज़ों से, बाजारी चीज़ों से परहेज किया करें, कोल्ड ड्रिंक से परहेज किया करें, ये आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है। और डाइट प्लान को आपको मैंने सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल बता दिया कि आपने डाइट प्लान इस तरह लेना है। इंशाल्लाह अगर आप डाइट प्लान अपना इस तरह लेते हैं तो आपको दिनों में रिजल्ट मिलते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान में आप 2-2 घंटे 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं और डाइट आपकी ज़ीरो है, डाइट आपकी ज़ीरो है। एक्सरसाइज आपने बॉडी वेट गेन करना है यार, 30 मिनट में अपना आप मार दो, देखी जाएगी क्या होगा। बाइसेप लगा रहे हो, चेस्ट लगा रहे हो, फुल जोर लगा, खत्म। बस आपके हाथ काम ना करें, आपकी बॉडी काम ना करें, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे गेम एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज है ही नहीं, ये कहीं भी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, पावर है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है ना, आपका पानी निकलना शुरू हो जाएगा, पसीना ज़्यादा निकलेगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, ठीक है। आपने जो डाइट खाई है वो उसी को पूरा करी है। अक्सर लोग कहते हैं हमारा बॉडी वेट गेन नहीं हो रहा, क्यों नहीं गेन हो रहा, गेन की वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं हो रहा। आप लोग एक्सरसाइज इतनी करते हो और डाइट उतनी खाते हो, जो एक्सरसाइज में आप पसीना वगैरह निकालते हो वही आपकी डाइट मुकम्मल करती है। उससे एक्स्ट्रा लो ना, डबल लो, अगर आपने बॉडी वेट को गेन करना है तो डबल लो। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आप लोगों को टिप्स बताता जाऊंगा, ठीक है।
और आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और बीमारियाँ भी आपको पता कितनी फैली हुई हैं, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में भी गाइड कर दूँ कि विटामिन ए और विटामिन डी ये कोरोना से आपको बचाता है। तो विटामिन ए आपको खुरबानी के अंदर से मिलेगा, जो मैंने आपको बादाम बताया, ठीक है, और विटामिन डी आपको सूरज से मिलता है। कोशिश क्या करें कि थोड़ा सा सूरज में भी रहा करें, धूप भी लिया करें थोड़ी थोड़ी, आजकल गर्मी ज़्यादा है, लेकिन कोई भी निकलता तो विटामिन डी आपको यहीं से मिलता है। कोशिश किया करें मेडिसनों से, दवाइयाँ से दूर रहा करें, ठीक है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, आगे लिंक को शेयर करवाएं, ताकि लोगों को पता लग सके कि डाइट प्लान क्या लेना है, बॉडी वेट गेन किस तरह होगा। और मेरा आपसे ये 100% गारंटी है, अगर आप मेरे कहने पे चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका 1 महीने में 8 kg या 10 kg जरूर गेन होगा। ये मैंने आपको वो डाइट प्लान बताया कि यही डाइट प्लान मैंने लोगों को करवा के मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब, रेलवे पाकिस्तान, नेशनल चैम्पियन, मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, सारे इन्हीं डाइटों से तैयार हुए हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।